जैसे हम लोग गणपति करते हैं नवरात्रि में माता की पूजा करते हैं, वैसे ही आज के दिन हम लोग विट्ठल रुक्मिणी की पूजा करते हैं। तो सारा डिस्कशन हो गया है, डन भैया? एकदम डन। वेरी गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे सुबह के 9 और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, नायरा भी रेडी हो चुकी है। नायरा जा रही है अभी स्कूल। नायरा रेडी हो गई? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग चांदनी, गुड मॉर्निंग मम्मी। नायरा अच्छे से रहना स्कूल में, और टिफिन भी खाना, ठीक है? नायरा समझा? और शेयरिंग भी करना, ओके? बहुत मेरा बच्चा बच्चा का ले लेती, ठीक है? चलो चलो हम लोग जाते हैं, बाय बाय। नायरा देखो तुम्हारे फ्रेंड आवाज दे रहे हैं, एक मिनट फ्रेंड इधर आ जाओ। सुशांत सुशांत ईशान इधर, एक मिनट। ये देखो सब दोस्त लोग के भैया, देखो क्लास का टाइम हो गया, भाग गए बच्चे, गए बच्चे, है ना? अपन बाद में मिलेंगे बेटा, मूड देखो कितना ये हो गया। वो भी स्कूल जा रहे बेटा, तू भी चल स्कूल में, अपन भी स्कूल चलते। तो अभी मैं नायरा को लेके डांस क्लास आया हूँ, उसकी स्कूल हो गई, और अभी नायरा और मैं और चांदनी हम लोग जा रहे हैं घर पे। नायरा क्या क्या सिखाया आज आपको? हाँ, और डांस भी सिखाया आपको। कैसा लगता है स्कूल में? अच्छा। बहुत अच्छा। चिल्लाते तुझे? क्यों चिल्लाया? मस्ती कर रही थी ना, इसलिए चिल्लाते हैं मुझे। तो बेटा मस्ती नहीं करना, थोड़ी सी मस्ती करना, और आपके अच्छे के लिए चिल्लाते हो गए टीचर। और आपको टीचर ने आज क्या क्या दिया याद है ना? कितना बड़ा गिफ्ट दिया। ठीक है चलना अभी क्लास में, क्या घर पर ही? घर पर ही, घर पर ही। तो चलो अभी हम लोग निकलते घर के लिए, चांदनी चले। अभी हम लोग घर पर आ गए, अभी मैडम का ड्रामा देखो, हमेशा यही ड्रामा रहता है, बट अच्छा लगता है हमको शूट करना। हाय, सोई थी क्या? सो गई तो? नायरा सो गई यार, कैसे अभी? मम्मी ये देख तो यार, नायरा सो गई है। बच्चा थक गया था? हाँ देखना, सो गई। चाचू क्या कर रहे हैं? चाचू एडिटिंग कर रहे हैं। हाँ देखो 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 चाचू, हम सो गए। आके बंद है ऐसा ऐसा। अब नायरा उठेगी और जंप करेगी। 1 2 3 ये जंप करके दिखाओ, ये हम लोग उठ गए। सच्ची नींद आ रही है देखो नायरा, निकाल दू? ठीक है ऐसे, ठीक है। और अभी पूजा भी घर पर आ गई है, अभी बजे दोपहर के 3, हम लोग लेट खाना खा रहे हैं और ब्लॉग देखते देखते हैं। और खाने में है आज मिर्ची की दाल, आम का। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत प्लेजेंट वेदर है। ये देखो बाहर, और ऐसी गर्मी बिल्कुल नहीं हो रही है, और अभी ज़्यादा एसी भी लगाना नहीं पड़ रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। और ऐसा है कि मम्मी और शिवानी अभी वॉक पर गए हैं, थोड़ा उन्होंने इवनिंग वॉक स्टार्ट किया है। और यहाँ यहाँ मेरे साथ है शैतान मायरा। देखो 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 कैसे कर, ओह माय गॉड नायरा। ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, बदमाश। और नायरा के साथ खेलने आए हमारे हैं सुशांत। हाय बोलो सुशांत। हाय। तो अभी बज रहे हैं 5:30, 6 बजे मुझे क्लिनिक जाना होता है। तो नायरा का फटाफट खाना हो गया है अभी, तो ये सारा मैस अब मैं ठीक करूंगी। देखो ये सब करती है नायरा घर पे, ऐसे तो सभी बच्चे करते हैं, एंड इट्स नॉर्मल, हम उसे करने भी देते हैं। नायरा कैसे लग रहा है इधर खड़े रह के? अच्छा। कितना अच्छा बेटा, वो तो खराब हो जाएगा। और अगर तेरी उंगली आ गई उसके अंदर तो क्या करोगी? हाँ? उंगली आ गई तो ऐसे ऐसे करते वक्त उंगली आ गई तो क्या करेगी? फिर तो रोएगी ना। कैसे रोती है नायरा बता? कैसे रोती है नायरा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर।
और अभी नायरा को छोड़ने आई हूँ इधर। शिवानी और मम्मी यहाँ पार्क में वॉक कर रहे हैं, तो मम्मी ने बोला यहाँ पे बहुत कुछ है नायरा को खेलने के लिए। तो अभी बजे रात के 10 और अभी समझो हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। अखिल भैया आज क्रिकेट मैच खेलने गए, मैं भी गया था पर उनकी टीम पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, इसके लिए एक दो मैच बाहर बैठा मैं, फिर वापस घर पे आ गया। और आज खाने में है सेव की भाजी, रोटी, और ये क्या है, ये क्या है, चलो फिर बाहर ही चलो। अरे ये क्या है, क्या बोलते इसको, पोकला। चांदनी अभी नहीं लगता है, नहीं मतलब सुबह भी नहीं थी और अभी। वाह वाह वाह, ये क्या है, क्या है, क्या है, आम का मुरब्बा। और आज है आषाढ़ी एकादशी, तो आषाढ़ी एकादशी पे ऐसा है कि पालखी पंढरपुर पहुंच जाती है, तो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। शिवानी थोड़ी नई है बिकॉज ये महाराष्ट्र में ये चीज़ होती है, तो इसको ये सब चीज़ें नई नहीं है, सेकेंड ईयर है शिवानी का, लेकिन वो सीख रही है अभी सब चीज़ें। तो हम लोग क्या करते हैं, जो विट्ठल रुक्मिणी की जो ये मूर्ति है जो मंदिर में रहती है, उसको हम लोग अलग से यहाँ पे रखते हैं, सजाते हैं और इनकी पूजा करते हैं। जैसे हम लोग गणपति करते हैं नवरात्रि में माता की पूजा करते हैं, वैसे ही आज के दिन हम लोग विट्ठल रुक्मिणी की पूजा करते हैं। तो पूजा हो गई है, शिवानी वो घर की पूजा करके आ गई, मैंने ये घर की पूजा कर ली है। तो ऐसा है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ में हैं, तो मैं और शिवानी अभी पूजा आरती कर लेते हैं। तो विट्ठल भगवान की आरती मुझे नहीं आती, बाकी सब आरती मराठी वाली मुझे आ जाती और शिवानी को हिंदी वाली आरती आती, बट ऐसा है ना कि हम मराठी वाली ही गाते हैं यहाँ पे, क्योंकि सबको मराठी आती है। नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, सर्वांगे सुंदर औषेंदुराची, घंटी धरके मान मुक्ता पडाची, जय दे तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तमेव तुमेव विद्याधर हरे राम हरे राम हरे कृष्ण साई बाबा की जय, नगरी बाबा की जय, सब संतन की जय। तो कल रात में अखिल भैया मेरे बारे में कुछ हो रहा है टॉपिक, कुणाल देखो क्या बोल रहा है। हाँ बोलो बोलो कुणाल भैया बोलो। कल रात में अखिल भैया दो बजे तक सोए नहीं, इसका एक ही रीजन था क्योंकि उनकी एक ही माला जपे जा रहे थे, मैंने कैच क्या पकड़ी कर भाई पकड़ी है ऐसी थी। कल हम टफ पे गए थे ना क्रिकेट खेलने, तो अखिल भैया बॉलिंग डाल रहे थे, टफ पे उन्होंने ऐसा बॉल डाला और सामने वाला एकदम जोर से मारा और हाइट पे एक हाथ में कैच पकड़ के जंप मारी, बहुत जबरदस्त कैच पकड़ी। आपको पहले बता देते हैं, टफ वाले भैया जिनका टफ है उनको कॉल करके उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग मंगाई कि बोले मुझे वो कैच देखनी है, तो सीसीटीवी के कैमरे का फुटेज लिया हमने, अभी इसके बाद डालेंगे आप भी देखेंगे कैसी कैच। ये वीडियो के लिए अमित भैया अगर आप ब्लॉग्स देख रहे होगे हमारा, तो आपको पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मैंने फ़ोन किया और 15 मिनट के अंदर आपने मुझे वो वीडियो दिया, उसके लिए पहले तो थैंक यू सो मच। और दोस्तों आप भी देखना मैंने कैसी कैच पकड़ी, और आप भी कमेंट में पक्का बताना यार, क्योंकि मैं हम बहुत से बार ऐसा हो जाता ना कि हम लोग बोलते कमेंट में बताना और आप बताते नहीं हो, पर इस टाइम कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने कैच कैसे पकड़ी, और घर में भी पूछता हूँ मैं कि कैसे पकड़ी, क्योंकि पकड़ी इतनी शानदार है। उसके पहले आप ये ना कैच देख लो कैसी पकड़ी मैंने। आपने कैच देख ही लिया मेरी कैसी है, अभी घर में भी पूछता हूँ कैसी पकड़ी, मम्मी मैंने कैसी पकड़ी थी कैच। अरे बाप रे बहुत अच्छी है, देख के अच्छा लगा कि अखिल खेल रहा है तो गिरा भी उसके अंदर कैच पकड़ते पकड़ते। अंडर प्रेशर बोल रही हूँ,
ओए अच्छा पकड़ा था मैंने कितना बहुत सही भैया कल से हमसे तारीफ करवा रहे हैं इसीलिए ये शब्द निकल रहे हैं इतना अच्छा कैच पकड़ा मतलब तुम लोग अरे हाँ और कोई भी चीज की तारीफ एक लिमिट तक होती है भैया कल से मैंने कैच कैसा पकड़ा मैंने कैसा कैच पकड़ा वो नायरा को भी नहीं समझ और नायरा को पूछ रहे जाके नायरा कैसा किया था मैंने दोस्तों खुशी अलग रहती है बस आपको क्या बताऊंगी और यहाँ देखो नायरा तैयार हो रही है बहुत नखरे करती हैं तैयार होने में भी कितनी सुंदर लग रही हो नायरा कौन सी लगाऊं बता अरे ये लगा ना ब्लू भी देखो वाह बताओ 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 हाथ मत निकाल मत बताओ वाह नायरा और अभी नायरा भी रेडी हो चुकी है नायरा को टिकली उसकी लगाना नहीं थी मुझे लगा दी है और बोलती है अभी पापा निकालना मत तो अभी थोड़ी देर तक मुझे टिकली रखना ही पड़ेगी और ये देखो भाई पूजा नायरा शिवानी मम्मी कैसे रेडी हुए आज आपको बताता हूँ ये पूजा का लुक ओहो अभी है नायरा नायरा बताओ कैसे रेडी हुए हो इधर देखो देखो देख ये गाइस हाँ पहले गाइस आपको बताओ तो सही अच्छे से चेहरा इधर खड़े रहो मैं तुम्हारे पास लेके आता हूँ हाँ इधर पोज दो ओ नमस्ते करो गाइस अरे वाह वेरी गुड और अभी नेक्स्ट है शिवानी और मम्मी शिवानी जी आइए प्लीज क्या बन रहा है और मम्मी साबुदाना बड़ा और नेक्स्ट शिवानी जी रेडी ये आज का शिवानी का लुक कुणाल की बातें चल रही है श्रुति के साथ ये श्रुति है श्रुति से बातें चल रही है श्रुति गुड मॉर्निंग पप्पा मंदिर से आ चुके हैं और ये नायरा का स्कूल का सामान है ये नायरा की फन लर्निंग किट है वो कितनी खुश लग रही है खोलो नायरा उसको खोलो बेटा खोलो अरे वाह अरे वाह नायरा तिलकपुरे वाह नायरा की बैग बता बता एक खोल सकता इधर इधर बता इधर पापा वाह कौन सा कलर है वो ग्रीन ये वाली पैंट है इसे कौन सा कलर है स्कर्ट पहनते हो शर्मा क्यों नहीं है और अभी घर पर आए कल्पेश भैया आए है क्या भैया हम लोग का सबका है ना घूमने का प्लान चल रहा है तो वो डिस्कस करना है कि हम लोग कैसे जाएंगे कहाँ जाएंगे वो सब प्लान चल रहा है 15-20 दिन पहले से सब टिकट निकालना है और सब लोग आने वाले हैं इसमें और सब हम लोग है ना भाई लोग जा रहे हैं घूमने के लिए भाई मतलब सब उनके बीवी और बच्चे लोग ये गोवा टूर के बाद में हमारा ये बहुत दिनों के बाद में प्लान बन रहा है 2-3 दिन का प्लान रहेगा 2-3 दिन सभी लोग साथ में रहेंगे 2-3 दिन और कुणाल नहीं आएगा कुणाल आइए कुणाल अरे भैया आए ना अरे भाई देख रहा नहीं क्या कौन है कुणाल को बताइए तक मैं कब से वेट कर रहा भाई वो एडिटिंग कर रहा था ना कान में हो गया तो उसको समझ ही नहीं रहा होगा कुछ एक घंटा मेरे को मिस्टर कुछ नहीं बोल रहा बाप रे एक घंटा दोनों स्क्रिप्ट राइटर तिलक पूरे फैमिली के खतरनाक एकदम अचानक गले मिलने के लिए आ जाओ नायरा भी मिलके बताएगी भैया नायरा जाओ तो मिलके बताओ मिलो 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 गले मिलो गले मिलो उसके सर पे बहुत जोर से लगा भैया हाँ ये इसके इधर सर पे लगा ना उसके ये लग गया था नायरा कैसे लगा था तुझे ये हाँ ये साइड लगा था ये साइड बहुत दुख रहा था बेटा बहुत देखो देखो बहुत रहा है तू हाँ
तो अभी कल्पेश भैया और हम लोग सब डिसाइड कर रहे हैं, प्लानिंग हो रही है। भैया देखा घर कैसा रहता है अभी, देखा किधर के किधर सब? ये अच्छा है, बच्चे करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, तो भी मजा आता है। पूरे घर में इसमें पता चलता है कि नायरा कितना अवसर है। और उठा के भी नहीं रख सकते भैया, तुमने क्यों रखा, क्यों रखा? और फिर डबल चीजें इधर उधर फैलती है। अरे तनु के मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फोटो में देख, बताए ना तू देखना अभी। चलो अभी अपन पहले डिसाइड कर लेते, पूजा की तरफ चलते अपन बात करने। फिलहाल तू नहीं चल रहा है क्या? चलो 5 मिनट सब डिसाइड कर लेंगे। तो अभी हम लोग, मैं, कल्पेश भैया और कुणाल हम लोग जा रहे हैं पूजा के क्लिनिक में सब कुछ डिसाइड करने के लिए कि कैसे प्लान जो फाइनल किया था ना हम लोगों ने सोचा था, अभी कुछ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो पूजा को भी एक बार बता देंगे तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें। और हम लोग पूजा के क्लिनिक में, और यहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो गई तो हम लोग रास्ते में भीग गए, नाया भी। अभी बारिश थोड़ी सी कम हुई है। कल्याण जाने का अपने दो ऑप्शन है, एक तो अपन लोकल से नेरल जा सकते हैं, और नेरल से फिर अपने को दूसरी भी ट्रेन मिलती है, वो टॉय ट्रेन देती है, और उसमें अगर जाने का रहेगा तो 2 घंटे लगेंगे। मतलब जलगांव से कल्याण जाएंगे, कल्याण से फिर वहाँ से 17 सीटर करके अपन माथेरान। चलो सही है। तो अभी हम लोग शुभम को ले रहे फोन पे और डिस्कस कर रहे हैं। अरे बिल्कुल पुरानी यादें ताजा हो गई उसके अंदर एकदम। तो क्या गाइस क्या प्लान होते हैं इस बार? अभी देख शुभम कैसा है मालूम है क्या, हम लोग क्या सोच रहे हैं, जितने भी जलगा वाले लोग हैं सीधा ऐसे पहले कल्याण जाना, कल्याण से डायरेक्ट 17 सीटर करते। तो सारा डिस्कशन हो गया है, डन भैया? एकदम डन। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर पे, बारिश तो चली रही थोड़ी थोड़ी। तो दोस्तों अभी बज रहे शाम के 5, और मैं नायरा के लिए रुका था डांस क्लास के लिए कि वो साथ में आएगी तो हम लोग साथ में जाएंगे, पर अभी अचानक से उसका प्लान चेंज हो गया, मुझे क्लास नहीं जाना है, मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने जाना है। मैं अंदर चेंज करने के लिए गया और वो मम्मी को ज़बरदस्ती लेके ना ग्राउंड पे आ गए, तो देखते हैं हम लोग ग्राउंड पे क्या कर रही है। क्या कर रही थी? पूरे ड्रेस पे लग गया। हाँ हाँ अभी पहुंची थी तुम्हारे साथ, फिर बैट लेके गए, वहाँ खेल रही बैट से, मेरे को बोलती बॉल डाल और वो बैट से, अब इतनी बड़ी बैट से खेलते आ रहा है उसको। कह रहे नायरा तेरे लिए छोटी बैट रहना चाहिए ना। तू डांस क्लास चल रही है क्या? तूने बोला था ना डांस क्लास चलते हैं, दे दे मुझे, मैं कर दूंगा बताऊँ। वो सौरभ भैया ब्लॉग में देखेंगे ना, बोलेंगे मेरे काज को, मेरे कार को पोछ रहे हो तू, तेरी बॉल मुझे दे दे पापा, बॉल दे दे मैं धोके लगता हूँ, धोके लगे चल चल, चल, चल तू डांस क्लास चल रही है क्या? और गिरेगी गिरेगी स्लो चल, अरे आराम से ना, अरे यार फिर से खराब हो जाएगा उसको, है ना। नॉर्मल कुछ भी नहीं पहनना है, मतलब छोटी पैंट रहती है नहीं पहनना उसको, जीन्स ही पहनना है, फ्रॉक तो बिल्कुल नहीं, फ्रॉक से क्या दुश्मनी उसको ही पता। तू मुझे बोल डांस क्लास चलने वाली है नहीं? नायरा सुन के भी अनसुना कर रही है बेटा तू, तो क्लास चलना है या नहीं चलना है? मैं जाऊँ फिर डांस क्लास? हाँ। जाऊँ? हाँ। बाय, वहीं मैं जाता हूँ फिर। जाने क्लास उसके पैर। तो चलो बाथरूम में धो लेगी, ये निकाल निकाल जाओ। कुणाल नायरा तो नहीं आ रही, अपन ही चलते, हो गया ब्लॉग कॉपी। चलो ये पेन ड्राइव में हम लोग ब्लॉग कॉपी करते हैं इसमें से अभी।